हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ब्लूगन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, जिसमें हमने उसके दो मेन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन इज द गाइडोका फिनोमेना एंड द सेकंड वन इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके अलावा उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने वहां पर डील करे थे। तो इस वीडियो में हम ब्लूगन एल्गी की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर माइकोप्लाज्मा पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते दैट इज इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। मोस्टली इंपोर्टेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वही यहां पर बार बार रिपीट होने हैं। जिसमें मैं बात करूंगी, पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहला इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होगी दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा नाम कौन कौन सा, नोस्टोक, दूसरा नाम एनाबिना, तीसरा नाम ओसिटोलोरिया। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीनस फूड की तरह किसको यूज करा जाता है, वो भी हमने देखा था लास्ट वीडियो में, दैट इज स्पायरुलिना। जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, तो इसको सिंगल सेल प्रोटीन के लिए भी यूज करा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते तो एक कंटेनर में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मिड डाल के इनको ग्रो करवा दिया जाता है, दैट इज स्पायरुलिना। नेक्स्ट वन दैट इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर की तरह किसको काम में लिया जाता है, तो ग्रीन मैन्योर में काम आता है दैट इज एनाबिना एंड स्पायरुलिना। फोर्थ वन दैट इज कौन सी ब्लूगन एल्गी है जो फर्टिलिटी पावर को बढ़ाती है और जो एल्कलाइन नेचर उसको डिक्रीज करती है, तो सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करे एंड एल्किनिटी को कम करे, यानी कि बेसिसिटी को कम करे, कौन सी है। ठीक है, तो उसमें नाम आ जाएगा आपका दैट इज नोस्टोक एंड एलोसिरा, ये इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ टॉक्सिक सिक्रेट करती है जिसकी वजह से मॉस्किटो लार्वा की डेथ हो जाती है, तो वो आपका ओसिटोलोरिया भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम हार्मफुल एक्टिविटी की बात कर दें, ये फिर लिख ही देते हैं दैट इज टॉक्सिक सिक्रेशन, दैट इज ओसिटोलोरिया। ये हो गया हार्मफुल एक्टिविटी की। अगर बात करें तो अभी बात करी थी हमने एल्गल ब्लूम और वाटर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आ जाएगा हार्मफुल इफेक्ट, देख लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट में पहली कंडीशन वाटर ब्लूम कंडीशन, जो पुराने झोड़ या तालाब होते हैं उनका पानी ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो उसी को हम वाटर ब्लूम कंडीशन बोलते हैं। तब एल्गी बहुत ज्यादा नंबर में ग्रो कर जाए वाटर सोर्स में, दैट इज एल्गल ब्लूम कंडीशन। ठीक है, माइक्रोसिस्टिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वाटर पॉल्यूशन फॉल स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, पानी में से गंदी बदबू आने लगती है। इसके अलावा बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकती है, तो कैन डैमेज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के ऊपर भी मॉइस्चर की वजह से ये ग्रो कर जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या, कुछ वाटर सोर्सेज के आसपास में काफी ज्यादा स्लिपरी नेचर हो जाता है। ठीक है, काई जमने की वजह से काफी ज्यादा स्लिपरीनेस हो जाता है, तो स्लिपलीनेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं दे आर
रिबुलेरिया एंड साइक्टोनिमा। ये दो ब्लू ग्रीन एल्गी है, रिबुलेरिया एंड द साइटोनिमा। ठीक है, बोथ आर द ब्लू ग्रीन एल्गी विच डेवलप स्लिपरीनेस। स्लिपरीनेस स्लिपरी, ठीक, ये डेवलप करते। तो ये होगा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लास्ट में हम बात कर लेते इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगी। तो नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो सिंपल है, दैट इज बाइनरी फिजन। दूसरा है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। थर्ड वन इज द हेटरोसिस्ट। फोर्थ वन इज द अकाइनेट। एंड द लास्ट वन इज द दैट इज होर्मोगोनिया। ये फाइव, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन सिंपल सा है, जिसमें कोई भी एक चीज टूटे और दो और जिनकी फॉर्मेशन कर दे उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे सेगमेंट होंगे, जितने भी सेगमेंट होंगे हर किसी से न्यू रिम की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जितने भी आप फ्रेगमेंट करोगे हर एक फ्रेगमेंट न्यू रिम की फॉर्मेशन कर देगा। तीसरा हेटरोसिस, अभी बताया था कि एक लार्ज साइज सेल है जो टूट के अगर अलग होती है तो वो रिप्रोड्यूस करके ग्रो करके नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देगी। अभी यहाँ पर दो मेन स्ट्रक्चर बच गई, द फर्स्ट वन इज द अकाइनेट एंड द सेकेंड वन इज द होर्मोगोन। ये हमें डिटेल से पढ़ने की कैसे रिप्रोड्यूस करेगी। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस दैट इज अकाइनेट। हम अकाइनेट को डील करेंगे, अकाइनेट कैसे ग्रो करेगा। तो इसमें हम बोल दें कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी फिलामेंट है, फिलहाल तब कोई भी ड्रास्टिक कंडीशन आई, खराब कंडीशन आई, तो कुछ सेल के अंदर की तरफ ठीक कंडीशन डेवलप होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, ठीक डिपोजिशन होने लग गया कुछ सेल के अंदर। यहां पर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ये थिक हो गई। ठीक है, इन्हीं थिक सेल्स को हम क्या बोलते हैं? अकाइनेट बोलते हैं। तो दी थिक सेल्स आर द अकाइनेट। अब दो कंडीशन हो सकती है कि जो ये नॉर्मल सेल है इनकी तो डेथ हो जाएगी क्योंकि ये थिन वाल की है, और जो ये थिक वाल की है तो ये क्या करेगी अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर रहेगी, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, पेरिनेटिंग फॉर्म में रहेगी, ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, बट अगर हम बात कर दें इनके शब्द फेवरेबल कंडीशन की, तो जो ये थिक वॉल है वो क्या कर जाएगी? डिजोल्व कर जाएगी। तो थिक वॉल गेट डिजोल्व एंड जर्मिनेट इंटू न्यू फिलामेंट, और नए फिलामेंट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इन थिक सेल की फॉर्मेशन होना दैट इन द असाइनमेंट। ठीक है, ये थिक सेल यहाँ पर बन जाएगी और इनके अंदर इवन फूड भी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जो इमरजेंसी के लिए इनको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। स्टोर फूड ऑल्सो, ठीक है, दिस वन इज द असाइनमेंट। नेक्स्ट वन टाइप दैट इज फ्रेगमेंटेशन।
टाइप दैट इज फॉर्मोगोनिया फॉर्मोगोनिया में भी क्या होगा एक फिलामेंट है एक फिलामेंट है बहुत सारे इसमें सेल हैं ऐसे यहां पर क्या होने लगता है कि कुछ सेल के अंदर जो म्यूसिलेज है वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है तो डिपोजिशन ऑफ म्यूसिलेज गेट स्टार्ट तो ये जो सेल बनी है दी सेल्स आर द नेक्रेडिया नेक्रेडिया जो कैसी हैं डेड सेल और इसमें डेड नेचर क्या है डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑफ म्यूसिलेज म्यूसिलेज का डिपोजिशन होने से इनकी डेथ हुई तो तब डेथ हो गई है तो इनका जो कनेक्शन है यहां से क्या करेगा टूट जाएगा तो ये जो कनेक्शन है धीरे धीरे यहां से टूट जाएगा ठीक है तो टूटने से होगा क्या ये यहां से टूट गया तो एक सेगमेंट ये फ्री हो गया एक सेगमेंट ये फ्री हो गया और एक सेगमेंट जो इधर का था ये फ्री हो गया ठीक है ऐसे इनके डेथ होने से ये तीन सेगमेंट अलग अलग फ्री हो गए अब जो ये हर एक सेगमेंट है जो मिडिल पार्ट है वो सेपरेट हो जाएंगे और फिर जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंट की फॉर्मेशन कर देंगे तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि दीज ऑल मिडिल पार्ट्स पार्ट्स या फिर सेगमेंट्स गेट सेपरेट आउट एंड देन ग्रो इनटू न्यू फिलामेंट बाद में ये न्यू फिलामेंट के अंदर क्या कर जाएंगे ग्रो कर जाएंगे तो जो म्यूसिलेज का डिपोजिशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है अंदर की तरफ देखिए पीछे वाले काइनेट में जो थे वो बाहर की तरफ हो रहा था जनरली ठीक होगी ये भी ठीक होगी वहां पर वो कैसी थी लिविंग थी लेकिन यहाँ पर नेक्रेडिया कैसे होगी डेथ होगी ठीक है तो जिसकी वजह से पहले एक फिलामेंट था और अभी कितने हो गए यहाँ पर तीन फिलामेंट हो जाएंगे तो नंबर बढ़ गया तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गया ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा ब्लूगन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया है उसका रिप्रोडक्शन का टाइप कंप्लीट कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट हो रहे हैं माइंड में जो कई बार कंप्लीट एग्जाम में पूछे गए हैं वो लिख देता हूँ इंडिया में अगर हम बात करें इन इंडिया तो राइस फील्ड में ज्यादा अमाउंट में मिलता है ओलोसीरा जो हमने पीछे भी देखा था और एक दूसरा नाम आ जाता है दैट इज टोलिपोथ्रिक्स ओलोसीरा एंड द टोलिपोथ्रिक्स दूसरा वीट और सुगर केन की फील्ड में वीट एंड सुगर केन फील्ड राइस फील्ड को हमने पैडी फील्ड भी बोला था ठीक है तो यहां पर जो सुगर केन का वो काफी इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिया जाता है दैट इज द cylindrical sperm ये ग्रुप है ठीक है ये दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है SCP का बता दिया SCP में किसको यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन में दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन इसमें यूज करते हैं स्पाइरुलिना को यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो नाइट्रोजनेज एंजाइम था वो बताया तो यहां पर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट नेक्स्ट वन जो हम डील करेंगे दैट इज माइकोप्लास्ट तो साइनोबैक्टीरिया के बाद में अब हम डील करेंगे अबाउट माइकोप्लाज्मा
जो माइकोप्लाज्म है सुनने में और देखने में काफी छोटा सा लगता है, बट अगर आप इसके नेचर की बात करोगे, इसके करेक्टर की बात करोगे, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो माइकोप्लाज्मा डिस्कवर्ड बाय द नोकार्ड एंड द रोक्स। डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रोक्स या फिर राउस फ्रॉम कैटल, कैटल से करे थे, विच वर सफरिंग फ्रॉम प्लूरो निमोनिया। प्लूरो मेम्ब्रेन जो लंग्स की चारों तरफ होती है, और निमोनिया आपको पता ही है कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो लंग्स को अफेक्ट करती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, म्यूकस का अमाउंट बढ़ जाती है। तो उसके जो लंग्स में जो म्यूकस था उसके अंदर से इसको देखा गया था। तो डिस्कवर्ड फ्रॉम द कैटल्स सफरिंग फ्रॉम द प्लूरो निमोनिया, और उनको नाम दिया गया एंड नेम देम देम दैट इज पीपीएलओ, उनको पीपीएलओ बोला गया, दैट इज प्लूरो निमोनिया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो का मतलब काफी सारी, शेप को चेंज कर सकता है, तो इसलिए प्लूरो वर्ड यूज हुआ है। निमोनिया कोज करेगा और लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद में एक जैपनीज साइंटिस्ट था दैट इज डोई, जिसने माइकोप्लाज्मा को बोला कि एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट डिजीज भी कर सकता है। ठीक है, तो जैपनीज साइंटिस्ट था दैट इज डोई। जैपनीज साइंटिस्ट जिसने बताया कि इट कैन कोज प्लांट डिजीज ऑल्सो, और दैट इज एस्टर येलो, और उस डिजीज का नाम था एस्टर येलो, जिसकी वजह से हो रहा था। ठीक है, और क्या क्या चीजें जो नोकार्ड और रोग थे उन्होंने इसको क्या बोला था, पीपीएलओ बोला था, इसको बोरल सेप भी बोला गया, आल्सो कॉल्ड कॉल्ड बोरल, और जो बोरल टर्म है दैट इज एस्टीरियोकोकस के लिए दी जाती है, यानी कि इनकी जो शेप है वो थोड़ी सी राउंड होगी ओरिजिन में, तो बोरल ने इसको एस्ट्रोकोकस भी बोला। ठीक है, तो सॉरी बोरल कोलिट एस्टीरियोकोकस, क्योंकि इसकी जो शेप है वो राउंड थी, तो बोरल ने इसको एस्टीरियोकोकस भी बोला। दूसरा है नावेट्स, कोलिट माइकोप्लास्ट, कोलेट माइकोप्लाज्म, तो राउस ने इसको माइकोप्लाज्म बोला, बोरल ने इसको एस्टेरिकोकस बोला, डोइन ने डिजीज के बारे में बताया था, और नोकार्ड और रॉक्स ने इसको फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, डोइन इसको एमएलओ और बोला, डोई कोलेट क्या नाम दिया इसको, दैट इज एमएलओ, एमएलओ का मतलब दैट इज मोलिकेट लाइक ऑर्गेनिज्म। मोलिकेट होते हैं जो सॉफ्ट बॉडी होते हैं, जिनकी बॉडी स्मूथ होती है, उनको मोलिकेट बोलते हैं। इसके अलावा ये जो है माइकोप्लास्ट, दे आर द पेलियोमोर्फिक या फिर प्लूरोमोर्फिक
They are प्लूरोमोर्फिक। प्लूरो का मतलब मैनी, मोर्फिक का मतलब बनावट, ठीक है, बहुरूपी है जिसको आप बोल सकते हो। तो दे आर द प्लूरोमोर्फिक बिकॉज दे डोंट हैव हैव सेल वॉल, सो दे कैन इजली चेंज देयर शेप एंड साइज। तो ये अपने शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको प्लूरोमॉर्फिक भी बोला, क्योंकि इसकी बहुत सारी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो माइकोप्लाज्म ये है पीपीएलओ, इट्स आल्सो नोन एज द माइकोप्लाज्म। अब इसको माइकोप्लाज्म क्यों बोला गया है? वो चीज भी देख लेते हैं एक बार, व्हाई इट इज नोन एज माइकोप्लाज्म, व्हाई इट इज नोन एज माइकोप्लाज्म। इसको माइकोप्लाज्म या फिर माइकोप्लाज्मा क्यों बोला? सेल वाला सेंट है तो इसकी अलग अलग शेप हो सकती है, तो ये फंजाई के जैसी ब्रांच फिलामेंट की जैसी फॉर्मेशन देने लगता है, तो इसलिए इसको माइकोप्लाज्म बोला गया। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेल वॉल इट कैन चेंज ऑन शेप एंड साइज एंड गिव फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, एज फंजाई। और फंजाई की जैसे ही क्या करेगा, स्ट्रक्चर दे देगा, तो इसलिए इसको माइको बोला गया, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ द फंजाई, पहले भी बताया हुआ है। फंजाई की स्टडी, इसके अलावा जो माइकोप्लाज्म दैट इज हेटरोट्रॉफिक नेचर, कैसे ये सेप्रोफिटिक नेचर का है, तो इट इज हेटरोट्रॉफिक नेचर, हेटरोट्रॉफिक नेचर का है। और हेटरोट्रॉफिक में भी कौन सा टाइप है? दैट इज सेप्रोफिटिक, ये फिर सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रो ट्रोफिक इन सॉइल। जो गली सड़ी चीज ये रहेगी, जो रोटन मेटेरियल रहेगा उसके ऊपर ये क्या करेगा, फीड करेगा, ठीक है। इसके अलावा पैरासिटिक नेचर का भी है, यानी कि डिजीज कॉज करने वाला भी है। इसके अलावा सबसे छोटी सेल मानी जाती है, इट इज कंसिडर्ड एज, इट इज कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल मानी जाती है। पीपीएलओ बोल दो, माइकोप्लाज्म बोल दो, या फिर माइकोप्लाज्मा भी हम स्पेसिफिक अगर एग्जांपल की बात करें तो दैट इज माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम, जो सबसे छोटी सेल है, नेम इज माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। काफी छोटा है, ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। हेटरोट्रॉफिक नेचर की बात कर ली है, इसके न्यूट्रिशन की बात करी कि सेप्रोफिटिक है, फिर पैरासिटिक नेचर क्या है। इसके अलावा इसके रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इट इज फैकल्टेटिव एनएरोबिक नेचर, फैकल्टेटिव एनएरोबिक है। तो बेसिकली ये कैसे नेचर का हो गया, एरोबिक नेचर का। तो बेसिक जो नेचर इसका, दैट इज एरोबिक नेचर का। तो जहां पर एयर होगी वहां पर ये इजिली ग्रो करेगा, बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनके साइज की बात कर दूं
तो इसका साइज नियर अबाउट दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर टू दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर तक हो जाएगा, जो बैक्टीरिया से काफी छोटा है। ठीक है, इसके अलावा तो इट कैन सर्वाइव ऑल्सो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही ये ग्रो कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने न्यूट्रेंट मीडिया फिल कर दिया, न्यूट्रेंट मीडिया डाल दिया, और मैं पूछू कि सबसे ज्यादा माइक्रोप्लाज्म में कहां पर मिलेंगे। अगर हमने मान लो इसमें एक माइक्रोप्लाज्मा डाल दिया तो ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस कहां पर होंगे, इसके टिप पोजिशन पर, क्योंकि यहां पर कैसा है एरोबिक कंडीशन है, बीच में कैसे मिलेगा एवरेज, और नीचे कैसा होगा लिस्ट। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन क्या होगी प्रेजेंट होगी, तो इसलिए यहां पर मैक्सिमम, नीचे ऑक्सीजन क्या होगी अब्सेंट है तो इसलिए मिनिमम, और बीच में कैसा होगा एवरेज होगा। ठीक है, तो इसकी पोजिशन की बात आ जाएगी। जो ये माइक्रोप्लाज्म है इसको हमने बोला था कि MLO दैट इज मोलिकेट्स लाइक ऑर्गन, और मोलिकेट का मीन होता है दैट इज द सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल क्या है एब्सेंट है, तो इनकी बॉडी कैसे होगी सॉफ्ट होगी। तो दे आल्सो नोन एज MLO, फुल नेम इज द मोलिकेट, मोलिकेट का मतलब दैट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इट्स सेल वॉल, क्योंकि इसकी सेल वॉल भी क्या है अब्सेंट है, सो इट्स आल्सो नोन एज कोट ऑफ बैक्टीरिया, कोट ऑफ बैक्टीरिया यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर की कोट यानी कि कवरिंग नहीं है, ऑफ का मतलब उतारना, ठीक है, कवरिंग उतर रही है। अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो ये पेनिसिलिन के अगेंस्ट क्या है रेजिस्टेंस है, इट इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेलवाल, माइक्रोप्लाज्मा में सेलवाल नहीं होती है, सेलवाल क्या है अब्सेंट है। ठीक है, और जो पेनिसिलिन है वो कहां पर अफेक्ट करती है सेलवाल की फॉर्मेशन को, पेप्टाइड और ग्लाइकन की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, और सेलवाल तो पहले से क्या है अफेक्ट है, बिकॉज सेल वॉल इज ऑलरेडी अब्सेंट एंड पेनिसिलिन अफेक्ट अफेक्ट सेल वॉल, और सेल वॉल में भी किसको पेप्टाइडोग्लाइकन फॉर्मेशन, पेप्टाइडोग्लाइकन की फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं अफेक्ट करते। ठीक है, तो इसलिए करेगा। और इसके बाद में हम इसके, तो फिर इसकी डेथ किस होगी अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है उनके द्वारा इसकी डेथ होगी, तो इट कैन बी किल्ड बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो मेटाबॉलिक इफेक्ट करेगा, विच अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, सेप्टोकाइनेज, सॉरी सेप्टोमाइसिन, और भी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है वो इसको अफेक्ट करेगी या फिर किल कर देगी। ठीक है,
ही होगा इसमें। इसके अलावा तो भी किसी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं तो इट गिव द अपीयरेंस ऑफ द फ्राइड एग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इट गिव फ्राइड एग अपीयरेंस या फिर कोलोन। जैसे अंडे को तोड़ते हैं ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए किसी भी चीज के लिए, तो बीच में उसका येलोविश पार्ट आता है, योक आता है, और जो बाहर का पार्ट है वो सराउंडिंग रहता है। तो इसकी कॉलोनी भी कुछ ऐसी रहती है कि बीच में कैसे रहेगा, डेंस कॉलोनी रहेगी, और बाहर की तरफ कैसे रहेगी, लाइट रहेगी। इट गिव द अपीयरेंस ऑफ द फ्राइड एग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, अभी माइकोप्लाज्मा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके डीएनए की बात करेंगे, कौन कौन से डिजीज करेगा, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये जो मोनेरा किंगडम है दैट विल बी कंप्लीट। ठीक है, जिसके अंदर माइकोप्लाज्मा का रिमेनिंग पार्ट रिकेट्सिया और एक्टिनोमाइसिस, वो तीनों की तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।